हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। क्लास सेकेंड ईयर का हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर शुरू कर रखा है, उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम है सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यानी यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इज अ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि हमें गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और मुझे चाहिए यू की वैल्यू। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है पार्शियल डिफरेंशियल और हमें यू की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हमें डेरिवेटिव यहाँ से एलिमिनेट करना है। अगर हम डेरिवेटिव रिमूव करेंगे उसके लिए हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज एंटी ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड किस लिए बोल रहे हैं कि हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टेकिंग टी एज ए कॉन्स्टेंट। टी को हम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स खत्म हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, कर्ल यू बाय कर्ल टी, बिकॉज डेरिवेटिव पार्शियल चल रहा है, कर्ल बाय कर्ल एक्स, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल होकर वन बन जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया मैंने कर्ल यू बाय कर्ल टी। यहाँ पे रिमेनिंग स्टेटमेंट, और यहाँ से हम कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस टी कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स किया है यहाँ पे और टी कॉन्स्टेंट लिया है, तो इसलिए हम इसमें कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं, और वो मैंने ले लिया फाई ऑफ टी, क्योंकि कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड होता है, सी वन सी टू एक्सेट्रा। तो यहाँ पे टी हमने कांस्टेंट लिया था, मैंने फाई ऑफ टी यहाँ पे ऐड कर दिया, इज अ कांस्टेंट। देन कर्ल यू बाय कर्ल टी, दिस इज इक्वल टू, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं टी एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करेंगे कॉस एक्स का, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ओके, प्लस फाई ऑफ टी। अब मुझे यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू टी। इंटीग्रेट, इसको आप सेकंड ले लीजिए, सेकंड इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, टेकिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, एक्स को आप कांस्टेंट लेके चलेंगे। नाउ विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करते हैं, डेरिवेटिव कैंसिल विद रिस्पेक्ट टू टी। लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा यू, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस टी साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फाई ऑफ टी डी टी, और क्योंकि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, एक्स कांस्टेंट लिया तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया इसको साइन ऑफ एक्स, ठीक है। देन यू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी टी कर रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो साइन एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी साइन एक्स प्लस ये एज इट इज रहेगा। इसको आप अदर फंक्शन भी पुट कर सकते हो, मीन्स इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ टी, वेयर एफ ऑफ टी इज दिस प्लस साई ऑफ टी, साई ऑफ एक्स। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से हमने यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसी का एक सेकंड क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड से ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशंस गिवन है y इक्वल टू जीरो, देन z इक्वल टू ई रेज टू पावर x, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस x। मीन्स y जीरो लेंगे तो z की वैल्यू ई रेज टू पावर x लेंगे, और y जीरो लेंगे तो एक बार कर्ल z बाय कर्ल y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस x आएगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर माइनस जेड इक्वल टू जीरो। एक्सोलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, डी स्क्वायर माइनस वन जेड इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, कर्ल बाय कर्ल वाई को डी पुट करते हैं, ठीक है, और कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर, जेड हमने कॉमन निकाल लिया दोनों से, और माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्सिलरी इक्वेशन होती है डी में, डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन डी इक्वल टू,
या फर्स्ट ईयर में कर भी चुके हो, प्लस माइनस वन आ जाएगा। वन को आप इधर लेके जाओगे, डी की वैल्यू प्लस माइनस वन। देन सॉल्यूशन ऑफ जेड क्या आएगा यहाँ से, जेड की वैल्यू क्या करते थे हम, सी वन ई रेज टू पावर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वही इसकी पावर में होता है, इंडिपेंडेंट वाई है यहाँ पे, दिस इज अ वाई, वन इंटू वाई प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस वाई। ये हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे फर्स्ट ईयर में, ठीक है, ऑडी में करते थे जो। देन यहाँ से आपको जेड की वैल्यू मिल गई है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स ये कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशंस किस लिए गिवन होती हैं, कंडीशंस इसलिए होती है कि हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ निकाल सकें। ना इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, अब आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, अगर y इज इक्वल टू जीरो है देन आपको जेड की वैल्यू लेनी है ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y को जीरो पुट कर देती हूँ तो जेड लेना है हमें ई रेज टू पावर एक्स, तो जेड की वैल्यू होगी ई रेज टू पावर एक्स, कब, जब y जीरो होगा, तो ई रेज टू पावर जीरो इज अ वन और ई रेज टू पावर माइनस जीरो यानी जीरो ही, प्लस सी टू, दिस इज ऑल्सो वन। इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड कंडीशन कहता है y इक्वल टू जीरो, कर्ल y बाय कर्ल, कर्ल जेड बाय कर्ल y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव कीजिए सबसे पहले, जेड बाय कर्ल y, कहाँ से जेड का डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा सी वन ई रेज टू पावर y एज इट इज, और इसका करोगे तो माइनस अप्लाई हो जाएगा, माइनस सी टू ई रेज टू पावर माइनस वाई, ठीक है। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं कि y इक्वल टू जीरो देन कर्ल जेड बाय कर्ल y इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू y को जीरो लेंगे तो ई रेज टू पावर y जीरो वन और ई रेज टू पावर y जीरो ऑल्सो वन, दिस इज माइनस सी टू, ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व करोगे, सी वन सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करके वापस फर्स्ट में पुट करनी है, ठीक है। दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, सेकंड प्लस थ्री, थर्ड और सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड से दोनों की ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में सी टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इधर से आ जाएगा टू सी वन, तो सी वन की वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकेंड माइनस थर्ड, देन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से सी वन कैंसिल हो जाएगा और सी टू की वैल्यू आ जाएगी, सी टू आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाय टू। इन दोनों की वैल्यूज को उठाओ और फर्स्ट में पुट कर दो, देन दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट आपके पास लैंग्रेजेस लीनियर इक्वेशंस। लैंग्रेजेस इक्वेशंस कौन से होती हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P इंटू कैपिटल P, Q इंटू कैपिटल Q इक्वल टू R, वेयर कैपिटल P, Q एंड R आर द फंक्शंस ऑफ X, Y, Z आर कॉल्ड लैंग्रेजेस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो इस फॉर्म में आती हैं P इंटू पी, क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में, ठीक है। स्मॉल p और कैपिटल P आप पीछे पढ़ चुके हो, स्मॉल p हम क्या लेते हैं कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स और q क्या लेते हैं कर्ल जेड बाय कर्ल y, ये स्टेटमेंट हमारे पास पीछे आ चुके हैं। नाउ जो इस फॉर्म में आ जाएगा और जो कैपिटल P क्यू आर है ये हमारे पास एक्स वाई जेड के फंक्शन होते हैं, ठीक है। देन इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, अगर आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन आ जाती है तो हम कंपेयर करेंगे और यहाँ से कैपिटल P और कैपिटल Q और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन इसका करना है आपको डी एक्स अपॉन पी, दिस इज इक्वल टू पुट करना है डी वाई बाय क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन R, ठीक है। यहाँ से हम दो दो के पेयर उठाएंगे जिससे भी हमारा सॉल्यूशन निकलता हो,
फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लिया कि डी एक्स अपॉन पी, दो पेयर ले लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड डी वाई अपॉन क्यू डी जेड वाई आर, इस दोनों को इंटीग्रेट करके यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं एनी कॉन्स्टेंट ऐड होता है. ओके, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, डी एक्स बाय पी माइनस डी वाई बाय क्यू इक्वल टू ए, ए इज एन कॉन्स्टेंट, सेम टू सेम यहाँ पे डी वाई बाय क्यू माइनस डी जेड बाय आर, दिस इज इक्वल टू बी. जिसका जो भी आंसर आएगा उसको हम ले लेते हैं यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ए, एंड जो यहाँ से सॉल्यूशन आएगा उसको हम ले लेते हैं वी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू बी. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, इसको आप लिखोगे एफ ऑफ यू वी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर इसको लिखोगे आप वी इक्वल टू एफ ऑफ यू. ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है. यहाँ से हमारे पास क्या थी लग रही थी क्वेश्चन, पी इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर. कंपेयर करेंगे तो कैपिटल पी की वैल्यू, कैपिटल पी की वैल्यू जो पी का मल्टीपल होगा दिस इज वाई जेड, कैपिटल क्यू की वैल्यू आ जाएगी जेड एक्स, एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स वाई. ठीक है, सॉल्यूशन क्या बताया था हमने, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर. वैल्यूज रख देंगे, डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू वाई जेड, डी वाई अपॉन जेड एक्स, डी जेड अपॉन आर की वैल्यू है एक्स वाई. दो दो के पेयर को उठाइए और सॉल्व कीजिए. अब यहाँ से आपको देखना है, जैसे अगर मैं डी एक्स और डी वाई को ले लेती हूँ, तीनों में से आप फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हैं, सेकेंड और थर्ड या सेकेंड या फर्स्ट कोई भी ले सकते हैं. यहाँ से अगर मैं इन दोनों को जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन इस वेरिएबल सेपरेट एक्स के पास एक्स, वाई के पास वाई वाला लेके जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा टेकिंग डी एक्स बाय डी वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स एंड डी वाई अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई. इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से देखेंगे इसका जेड से जेड कैंसिल, यहाँ से एक्स कैंसिल. ये जो एक्स है इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये वाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे. सेम टू सेम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई इंटू डी वाई प्लस जेड इंटू डी जेड, और हम इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, प्लस हो जाएगा डी. ठीक है, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर बाय टू इंटीग्रेशन इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू प्लस ए, एंड दिस इज वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जेड स्क्वायर बाय, देन यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू ए. अच्छा, वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, एंड इसको पुट कर देंगे हम सी वन. सेम टू सेम यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू टू बी, इसको रख देंगे हम सी टू. तो यहाँ से एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर, सी वन की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सी टू की हमारे पास आ गई है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दिस इज यू, एंड इसको रखते हैं वी. सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू ज़ीरो, या फिर एफ ऑफ यू इक्वल टू वी. एक में कोई भी अप्लाई करो आप, एक लेके चलना है. एफ ऑफ यू वी मीन्स यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ऐसे दे रखा आपके पास, तो यहाँ से भी सेम टू सेम चलना है. कंपेयर करेंगे हम पी का स्मॉल क्यू, और इक्वल टू पे होता है कैपिटल आर, तो इसके मल्टीपल कैपिटल पी टेन एक्स, कैपिटल क्यू इज टेन वाई, एंड कैपिटल आर इज टेंजेंट जेड. सो डियर इक्वेशन, इक्वेशंस क्या आ जाएंगे यहाँ से, डी एक्स बाय पी यानी कि टेन एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू
टेंजेंट y एंड dz अपॉन r यानी कि टेंजेंट. टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स देन dx अपॉन tan x इक्वल टू dy अपॉन टेंजेंट y. एक तो सोल्यूशन इससे आ जाएगा हमारे पास. टेंजेंट को लिख सकते हैं हम cot x dx और tan y को लिख देंगे cot y dy. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस a, इसका इंटीग्रेशन होता है cot x का log ऑफ cos y sin sin x इक्वल टू log ऑफ cos x सॉरी sin y प्लस ये जो कांस्टेंट लेके चलते हैं क्योंकि लॉगरिथम में आता है इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट भी लॉगरिथम में ही लेके चलेंगे तो log ऑफ a आ जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए log ऑफ sin x माइनस log ऑफ sin y इक्वल टू log ऑफ a देन log a माइनस log b दिस इज log ऑफ a बाय b sin x अपॉन sin y इक्वल टू log ऑफ a. टेकिंग e बोथ साइड e बेस लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से sin x बाय sin y. सेम टू सेम आप सेकेंड सॉल्यूशन निकाल सकते हो. टेकिंग लास्ट टू टर्म्स dy बाय टेंजेंट y इक्वल टू dz बाय टेंजेंट z. इंटीग्रेट करेंगे b लेंगे यहाँ से क्योंकि यहाँ पे कॉट में चेंज कर लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन आता है लॉगरिथम में तो कांस्टेंट भी आप लॉगरिथम में ही चेंज कर लीजिए प्लस लॉग ऑफ बी देन ये आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ कॉट साइन कॉस बाय साइन करोगे कॉट वाई चल रहा है साइन वाई इक्वल टू लॉग ऑफ साइन जेड प्लस लॉग ऑफ बी. माइनस आ जाएगा इधर आके ये माइनस और ये इक्वल देन लॉग ऑफ साइन बाय वाई बाय साइन जेड इक्वल टू लॉग ऑफ बी ई बेस लेंगे कैंसिल साइन वाई बाय साइन जेड इक्वल टू बी और वहाँ से सॉल्यूशन आया था साइन एक्स अपॉन साइन वाई इक्वल टू ए. ठीक है तो सॉल्यूशन हमारे पास होता है f ऑफ कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे भी मिलेगा f ऑफ u इक्वल टू v. ठीक है एक हमने क्या लिया था u ऑफ x y z दिस इज इक्वल टू a यानी कि a के इक्वल जो भी आपके पास वैल्यू आएगी दिस इज द वैल्यू ऑफ u. ठीक है और सेकंड कांस्टेंट की v तो u हमारे पास हो गया u इज साइन x बाय साइन y एंड दिस इज v साइन y बाय साइन z. तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ u की वैल्यू रखेंगे हम sin x अपॉन sin y इक्वल टू v sin y बाय sin z. आपके पास किसी भी फॉर्म में आ सकता है f ऑफ u इक्वल टू v फॉर्म में भी मिल सकता है और f ऑफ u v इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में भी मिल सकता है. ठीक है तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है लैंग्रेजेस इक्वेशंस. तो लैंग्रेजेस इक्वेशन स्मॉल p स्मॉल q एंड राइट साइड पे हमारा एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है तो पी का मल्टीपल हम लेके चलते हैं कैपिटल पी. कंपेयर करेंगे यहाँ से और वैल्यू निकाल लेंगे कैपिटल क्यू इज ए क्यू का मल्टीपल थ्री और इक्वल टू जेड प्लस कॉट वाई माइनस थ्री एक्स दिस इज अ कैपिटल आर. सब्सिडियरी इक्वेशंस बनेंगी डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर देन डी एक्स अपॉन वन डी वाई अपॉन थ्री एंड dz अपॉन z प्लस cot y माइनस 3x. अब इनको सॉल्व कैसे करना है देखिए आगे आगे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट टू स्टेप को हम उठा लेते हैं यहाँ से dx by 1 इक्वल टू dy by 3 एंड इंटीग्रेट. अब हर क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ डायरेक्ट कर रही हूँ. इंटीग्रेट कर देंगे प्लस a इज अ कॉन्स्टेंट दिस इज x इक्वल टू वन बाय थ्री इंटू वाई प्लस ए
थ्री एलसीएम ले लीजिए, थ्री एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल टू थ्री ए, इसको हम ले लेते सी वन कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो थ्री एक्स माइनस वाई इज सी वन, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इसके साथ आप कोई बिल उठा लीजिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सबसे पहले आपको इस तरह से स्टेप लेने हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो गए, इजीली हम इंटीग्रेट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई और जेड तीनों का आ रहा है, अब इसको सेपरेट नहीं कर सकते बट हम इसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप निकालते हो, हमें वाई माइनस थ्री एक्स चाहिए ना, तो आप यहाँ से वाई माइनस थ्री एक्स ही ले लीजिए, तो ये आ जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लो दिस इज वाई माइनस थ्री एक्स, ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस थ्री ए को हम रख देंगे सी वन, और इसको लिख दो आप वाई माइनस थ्री एक्स, ठीक है। क्योंकि सी वन तो हम किसी भी कांस्टेंट जो भी राइट साइड पे आ रहा है उसको लेके चल रहे हैं, ताकि हमें सेपरेट कांस्टेंट ना उठा के चलना पड़े। माइनस थ्री इज ऑल्सो कांस्टेंट, ए इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इस पूरे कांस्टेंट को मैंने सी वन ले लिया है। अब ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप दो कोई भी स्टेप उठा लीजिए, मैंने फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया, डी एक्स बाय वन इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड प्लस कॉट ऑफ वाई माइनस थ्री एक्स, क्लियर। अब यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं और हम वाई माइनस थ्री एक्स के प्लेस पे सी वन पुट कर लेते हैं, तो ये एक्स और वाई दोनों ही यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, डी जेड अपॉन जेड प्लस कॉट ऑफ सी वन। अब देखिए ये पूरा हमारा कॉन्स्टेंट बन गया, और ये जेड के पास जो है विद रिस्पेक्ट टू जेड हम इसका इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा और यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा सेकंड। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्लस बी हो जाएगा। नाउ एक्स इक्वल टू वन बाय जेड, वन बाय जेड प्लस आएगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ जेड प्लस कॉट सी वन प्लस बी, यानी एक्स माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस कॉट सी वन इक्वल टू बी। और यहाँ पे आपको सी वन की वैल्यू दोबारा से चेंज कर देनी है, बिकॉज हमने जो आंसर निकालना है वो कांस्टेंट यहाँ से हटा देना है, तो वैल्यू थी वाई माइनस थ्री एक्स, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है। सी वन सी टू में करना चाहो तो आप इसको सी टू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा यू की वैल्यू, यू इज अ दिस एंड वी इज अ दिस, फंक्शन सॉल्यूशन हमारे पास होता है एफ ऑफ यू वी, तो यू हो जाएगा वाई माइनस थ्री एक्स एंड वी इज अ एक्स माइनस लॉग ऑफ जेड प्लस कॉट वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप से आपके आपको किसी भी तरह से सॉल्व करना पड़ जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट टाइप थी लैंग्वेजेज इक्वेशंस की, कुछ इसके नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सेकंड टाइप से आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म हमें बने हुए नहीं है कि पी पी क्यू क्यू हम यहाँ से कंपेयर कर सकें, यहाँ आपको बनाने पड़ेगी। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड इंटू दिस इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई दे रखा है, तो एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब इंटू पी एक्स, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, अब इसको अलग अलग कर लीजिए, पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जेड एक्स एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू पी एक्स, अच्छा एक्स मैंने आगे ले लिया, माइनस वाई है यहाँ पे, तो वाई जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू दिस क्यू, यानी इसको मैंने कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे हमने इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर। यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, पी का मल्टीपल कंप्लीट, यहाँ से क्यू का मल्टीपल दिस, तो सब्सिडियरी क्वेश्चन आ जाएगी, डी एक्स अपॉन कैपिटल पी होता है, ये कैपिटल पी हो गया, ये कैपिटल क्यू हो गया, और ये कैपिटल आर हो गया। तो ये वैल्यू रखेंगे जेड एक्स इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू माइनस वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, माइनस आपको यहाँ पे साथ लेना है बिकॉज हमारी प्लस में होती है क्वेश्चन जो हम कंपेयर करते हैं,
डी जेड अपॉन एक्स की पावर 4। अब यहाँ पे आपको देखना है कि दो आप पेयर कौन कौन से उठाओगे हम सॉल्यूशन निकाल सकें। हम पहले दो ले लेते हैं, सबसे पहले डी एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड अपॉन, दिस इज सेम फैक्टर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, देन हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर रह गया डी एक्स अपॉन एक्स माइनस डी वाई बाय वाई। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे प्लस लॉग ऑफ ए, बिकॉज ये लॉगरिथम में इंटीग्रेशन आएगा, लॉग ऑफ एक्स, ये माइनस का आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए। नाउ लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ए एंड ए की वैल्यू आ गई एक्स वाई लॉगरिथम से, लॉगरिथम कैंसिल। ओके, अब हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे है x की पावर 4 एंड यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड को ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड, अभी बताते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप डी एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू एक्स वाई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और थर्ड है आपके पास डी जेड बाई एक्स की पावर 4। ये इसलिए लिया हमने क्योंकि x की पावर 4 और x, एक x तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 3, समझ गए। देन ये x की पावर 4 था, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 पावर रह जाएगा, यानी डी जेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, और अभी हमने सॉल्यूशन निकाला है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं सेकंड सॉल्यूशन में, a की वैल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई है, इसको रख देते हैं हम a, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वायर। ओके, नाउ इधर आ गया डी जेड अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इजीली, ये पूरा का पूरा z का फंक्शन हो गया और ये हमारा x का फंक्शन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए जेड प्लस जेड क्यूब इंटू डी जेड एंड इंटीग्रेशन कर दीजिएगा प्लस b इज अ कॉन्स्टेंट x रेज टू पावर 4, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z करना है, प्लस z रेज टू पावर 4 बाय 4 प्लस बी। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पे उठा रही हूँ इस टर्म को, माइनस टू ए जेड स्क्वायर माइनस जेड रेज टू पावर 4 इक्वल टू 4b, और 4b को हम ले लेते हैं एनी कांस्टेंट सी ले लिया हमने। ठीक है, तो फर्स्ट u की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स वाई, सेकेंड सोल्यूशन ये होता है, ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू, सोल्यूशन आ जाएगा f ऑफ यू वी यानी कि एक्स वाई इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस टू ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड टाइप, यानी इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी जो बाकी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके शायद 2-3 टाइप हो रहे हैं आगे, थोड़ी सी टिपिकल चलेंगी, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।